बिहार ललित कला अकादमी, फ्रेजर रोड, पटना, बिहार। आज भोजपुरी के शेक्सपियर भिखारी ठाकुर का जयंती है। इस अवसर पर युवा मिथिला चित्रकार चित्रा सिंह ने रंगों के माध्यम से भिखारी ठाकुर के जीवनी पर एक मिथिला और भोजपुरी दोनों शैलियों के संगम को दिखाते हुए एक चित्र प्रदर्शनी का आयोजन यहाँ किया है। 3 दिवसीय यह चित्र प्रदर्शनी का उद्घाटन कल रात में ही बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने अपने कर कमलों द्वारा उद्घाटन किया। आइए युवा चित्रकार चित्रा जी से मिलते हैं और भिखारी ठाकुर को श्रद्धांजलि देने के लिए उन्होंने जिस नई कला शैली के माध्यम से उन्हें श्रद्धांजलि देने का प्रयास किया है उसके बारे में हम सभी जाने। नमस्ते जी। नमस्ते, क्या समाचार है? सब ठीक है सर। आपने यह प्रयास किया है, बहुत ही अच्छा प्रयास किया है। दर्शकों को बताएं कि भिखारी ठाकुर के जीवनी पर आपको कैसे प्रेरणा मिली कि कला के माध्यम से उन्हें श्रद्धांजलि दिया जाए। भिखारी ठाकुर भोजपुरी भाषा के शेक्सपियर माने जाते हैं जी, और उनको अभी तक किसी ने भी रंग के माध्यम से दिखाने की कोशिश नहीं की थी। पहली बार आपने प्रयास किया? मैंने पहली बार कोशिश की है मिथिला पेंटिंग में के द्वारा मैं लोगों को दिखा सकूं उनकी जीवनी को। इस पेंटिंग में मैंने उनके जन्म के समय को दिखाया है। इनका जन्म दियार क्षेत्र में हुआ था और वो हजाम फैमिली से थे। इसमें मैंने वही दिखाने की कोशिश की है। उनके नीचे उन्हीं की लिखी हुई कविता से इंट्रोड्यूस किया गया है। उनका जन्म 18 दिसंबर 1887 जी जी कहाँ हुआ था? बिहार में कुतुपुर भोजपुर में जी जी नाई परिवार में हुआ था जी। गरीब फैमिली में जी जी जी। इसमें उनके बचपन को मैंने दिखाया है जी। वो उनके पास 4 गाय थी, वो गाय को चढ़ाने का भी काम करते थे और पढ़ने का शौक था लेकिन वो स्कूल नहीं जा पाए थे कभी भी जी। लेकिन वो अपने पास एक किताब रखते थे और उसी में अस्तूरा और कलम रखते थे। कोई आदमी मतलब बाल कटवाने आता था तो बाल भी काटते थे और नहीं तो वो पढ़ाई करते थे। दोनों काम साथ साथ चलता था। दोनों काम वो साथ साथ करते थे जी। और फिर जब बड़े हुए तो कमाने की इच्छा से वो अपने घर से बाहर उनको जाना पड़ा। कहाँ? वो कोलकाता गए थे? कलकत्ता गए, फिर वहाँ से कलकत्ता जी जी खड़गपुर गए, पश्चिम बंगाल। हाँ खड़गपुर गए। उस समय जाने का मतलब ये क्या कहता है, माध्यम सिर्फ नाव ही थी, नाव से ही गए थे। उसमें वो मैंने इसमें दिखाने की कोशिश की है। उसमें शादी हो गई थी उनकी? क्या? हाँ शादी तो बचपन में ही हो गई। बचपन में ही हो गई थी, उसमें तो बाल विवाह होता था ना। हाँ उसके बाद वो फिर कलकत्ता गए जी। और कलकत्ता जाने के बाद फिर वहाँ से मेदिनीपुर में उन्होंने पहली बार रामलीला देखी। रामलीला देखने के बाद उनको लगा कि मुझको रामचरितमानस पढ़ना चाहिए। वो रामलीला देखना उनके लाइफ का बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट हुआ। हाँ। मतलब उनके जीवन को बदल दिया। हाँ रामलीला ने रामचरितमानस ने उनकी जिंदगी को बदल दिया जी। उसके बाद वो सोचने लगे कि मुझको भी पढ़ना चाहिए कि मैं इतना पढ़ सकूँ कि मैं कम से कम रामचरितमानस को पढ़ सकूँ। फिर उन्होंने मतलब एक थे भगवान नाम था उनका, उससे वो उनका दुकान तो वो चलाते थे, उनसे उन्होंने मतलब रामचरितमानस पढ़ने लायक शिक्षा ली, जिससे वो फिर रामचरितमानस पढ़े और रामलीला रेगुलर देखते थे। वहाँ से उनको शुरू हुआ ये से नाटक से उनका लगाव रामलीला से ही शुरू हुआ। मतलब श्री रामचरितमानस ने उनके जीवन को बदल दिया। रामचरितमानस ये कर सकते हैं जी, जी, रामचरितमानस ने उनकी जिंदगी को बदल दिया। और इसमें लिखा हुआ भी है जी, तुलसी में मन लपटाइल, इसमें है एक लाइन तुलसी कृत में मन लपटाइल।
भोजपुरी में ही लिखते थे। हाँ भोजपुरी में, इसलिए तो भोजपुर के वो शेक्सपियर हैं। और इसमें दुनिया भर में फेमस, हाँ पूरी पूरी दुनिया में फेमस है, लोग बाहर बड़े कलाकार बन गए इनका गाना गा गा के, इनके लिखे हुए गाना को गा के। और इनका एक नाटक है बेटी बेचवा नाम है उसका जी, वो नाटक को मैंने इसमें दिखाने की कोशिश की है कि उस समय मतलब गरीब फैमिली के लोग अपनी बेटी को बूढ़े लोग को ही पैसा दे के बेच देते थे, तो वही नाटक को मैंने इस पेंटिंग में दिखाने की कोशिश की है। बहुत अच्छा, या समझाएं इसको थोड़ी डिटेल से। हाँ इसमें मैंने पहले फ्रेम में मैंने माँ और बेटी का प्रेम दिखाया है, ये बच्ची बड़ी होती है, इसके पापा मतलब बूढ़े आदमी को बेच देते हैं पैसा लेके, वो बेटी उधर से देख रही है कि मेरे पापा क्या कर रहे हैं। फिर उसकी शादी होती है बूढ़े से और माँ मतलब उसमें दुखी बैठी हुई, माँ भी विवश है। हाँ माँ विवश है, अपनी विवशता पे रो रही है, वो मैंने दिखाने की कोशिश की है। बहुत अच्छा। और यहाँ मैंने ट्रिब्यूट दिया है लेजेंड को, बीच में भिखारी है, यही भिखारी ठाकुर जी है। हाँ इन्हें भोजपुरी का शेक्सपियर भी कहा गया है। और उनका मतलब कि लिखा हुआ गाना गाते हुए मैंने सिंगर को दिखाया है, गायक लोग गा रहे हैं। और ये नाटक पहले लौंडा नाच होता था, उन्हीं का अभी भी होता है। हाँ लौंडा नाच मैंने इसमें दिखाया है। और ये उनकी दूसरी रचना है, उस रचना का नाम है गबर घी चोर जी, उसका मैंने इसमें दिखाया है, वो भी तीन फ्रेम में मैंने कहानी करने की कोशिश की है। ये नाटक भी पटना में बहुत बार प्रदर्शन हो चुका है। हाँ 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 बहुत जगह होता है ये, अब वही कल सीएम बोल रहे थे कि बेगूसराय में इसका बहुत ये हुआ है और लोग पसंद करते हैं, अभी भी मंचन का होता है और लोग पसंद करते हैं इसको। इसमें भी इसके ये जो है रचना जो है, इसमें इन्होंने औरत को कहा है कि अपनी जिंदगी जीने के लिए स्वतंत्र होना चाहिए, औरत अपना डिसीजन लेना चाहिए कि मुझको जिंदगी कैसे जीना है। इस नाटक से उन्होंने ये कहने की कोशिश की है, इसलिए मुझे इस लगा कि महिला सशक्तिकरण में ये नाटक बहुत अहम है। जिस समय लिखा गया था उस समय लोग इस महिला सशक्तिकरण की कोई बात नहीं होती। 1950 में इन्होंने ये रचना की है इस नाटक का, इसलिए मुझे ये अच्छा लगा, इसलिए मैंने इसको पेंटिंग के थ्रू करने की कोशिश। बहुत अच्छा प्रयास है। और विदेशी नाटक के बारे में आपने लगता है दिखाया है क्या विदेशी नाटक? माइग्रेशन मैंने इसलिए वो पहला जो फ्रेम था। हाँ हाँ कहाँ हाँ, देखिए थोड़ा विदेशी नाटक के बारे में थोड़ा बता दे दर्शकों को। उसमें भी हाँ विदेशी, इसमें मैंने वही मतलब कि जो देश छोड़ के कमाने के लिए जो बाहर निकले उनको लोग विदेशिया कहते थे। हाँ 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 तो माइग्रेशन के थ्रू मैंने इसमें दिखाने की कोशिश की है विदेशिया, इसको विदेशिया से भी रिलेट कर सकते हैं। जी जी हाँ। और यह नाटक बहुत ही लोकप्रिय है। हाँ लोकप्रिय है, इसका गाना भी बहुत लोकप्रिय है जी, पिया वगैले कलकत्ता विदेशिया का ही गाना है, उससे उनको बहुत ज़्यादा नाम मिला था इसका। मैंने भी देखा है नाटक, शायद आपने भी जरूर देखा होगा नाटक। बिना देखे कैसे कुछ बनाएंगे, मैंने सबको ये भी देखा वो भी देखा, वो भी सबको पढ़ के स्क्रिप्ट क्या है वो सब पढ़ के फिर मैंने बनाया इसको। और क्या कहना चाहेंगे दर्शकों को? मैं दर्शकों को यही कहना चाहूँ ये बस कि लोग जाने कि भिखारी ठाकुर कौन है। अभी के समय में बहुत कम युवा लोग हैं जो कि भिखारी ठाकुर को ऐसे जानते होंगे, क्योंकि मैं जिस समय पेंटिंग बना रही थी लोग को समझाना पड़ता था कि भिखारी ठाकुर है कौन, क्योंकि बहुत दुखद बात है, लोग कम से कम देखें और जानें कि भिखारी ठाकुर कौन है। हमारी सभ्यता के लिए बहुत उन्होंने काम किया है, साहित्य को बहुत ही ये किया है, समृद्ध बनाया है। एक अमृतसर न्यूज़ की ओर से एक सवाल आपसे है मैम, आपको यह प्रेरणा कैसे मिली कि भिखारी ठाकुर पर कुछ रंगों के माध्यम से उनके श्रद्धांजलि दिया जाए, मिथिला चित्रकला के माध्यम से? मुझको ये लगा कि उतना मतलब कि पिछड़ी हुई फैमिली का आदमी इतना मतलब भोजपुरी के भाषा को इतना समृद्ध बनाया, भोजपुरी भाषा को, हाँ भोजपुरी भाषा को इतना समृद्ध बनाया, इन पे काम होना चाहिए, जो जितना उनको सम्मान मिलना चाहिए था उतना उनको भी नहीं मिल पाया। मैं उसी में मैंने एक छोटी सी कोशिश की है कि लोग जाने कि कौन है भिखारी। युवा वर्ग से क्या कहना चाहेंगे? युवा वर्ग जो है इनके विदेशिया नाटक तो बहुत ही अच्छी नाटक है और लोग देखे भी हैं, बहुत प्रशंसा भी हो रही दुनिया भर में, क्या कहना चाहेंगे युवा दर्शकों से? युवा से मेरा ये कहना है कि उनके और भी नाटक हैं। जी जी और भी नाटक हैं जी, जैसे गबर घी चोर है, पुत्रवध, ये सब ज़्यादा मतलब विदेशिया से भी ज़्यादा सशक्त है। पुत्रवध के बारे में क्या कहना चाहेंगे? पुत्रवध के बारे में समझ नहीं आ रहा क्योंकि उस नाटक को मैंने नहीं बनाया। अच्छा अच्छा कोई बात नहीं। अच्छा बेटी बेचवा, बेटी बेचवा पर कुछ बताएं।
हाँ बेटी बचवा उस समय अब तो नहीं लोग अभी भी गांव अभी भी ये प्रथा जारी है। हाँ, अभी भी गरीब लोग है, जो है अपनी बेटियों को बेचते हैं। इसमें व्यवस्था हाँ, है दिखाया जी, गया जी, है जी। इस नाटक के थ्रू उन्होंने व्यवस्था दिखाया है कि माँ का और बेटी का दोनों का व्यवस्था उन्होंने दिखाया है कि गरीबी से लाचार होके उसके पिता ने कैसे बूढ़े से उसकी शादी कर दी बेटी को बकरी के बच्चे की तरह एक हाथ से दूसरे हाथ में दे दिया उसकी इच्छा के विरुद्ध। इसलिए वो मुझको बहुत ज़्यादा ये मेरे मन को छू गया एक नारी होने के नाते उसके दुख को मैंने बहुत महसूस किया। बनाने में भी मैं बहुत इमोशनल होकर मैंने उस पेंटिंग को बनाया। और ये जो समस्या है बेटी बेचुआ का यह समाज में आज भी जारी है। हाँ। इतना विज्ञान के विकास होने के बावजूद यह समस्या जारी है, यह बहुत बड़ी समस्या है और युवाओं को चाहिए कि इस समस्या के विरुद्ध एकजुट होकर इसके विरुद्ध हाँ, होना चाहिए ताकि जागरूकता जरूरी है, लोग जाने कि क्या है। जी जी हम लोग हमारा ये रीजनल लैंग्वेज में बहुत रिच है जी, ये दिखाने का मैंने कोशिश किया है। सारा तो भोजपुरी भाषा का काम किया है जिसको लोग आजकल के युवा पढ़ नहीं रहे हैं देख नहीं रहे हैं जी। और मेरे ख्याल से दर्शक अगर भिखारी ठाकुर के साहित्य को पढ़ेंगे और उनके नाटकों को देखेंगे तो मेरे ख्याल से लगता है कि जो भिखारी ठाकुर का सपना था और बिहार के मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी भी बहुत ही प्रभावित उनके नाटकों से विदेशिया नाटक से भी जी। भिखारी ठाकुर ने 1940-50 में ही लिखा तो उन्होंने उस समय भी शराबबंदी की बात की थी जी जी, दहेज का विरोध किया था जी जी, बेटी को बेचना उसके भी जी 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 जी। मैं मेरे नज़र में वो एक महान सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं जी जी, जो कि उस समय का और अभी का भी बड़ी समस्या उस पर उन्होंने उस समय लिखा था और उसमें उसके अगेंस्ट उन्होंने आवाज़ उठाई थी। सुदखोर लोग गरीबों का खून चूस रहे थे उसके अगेंस्ट उन्होंने आवाज़ उठाई थी तो वो बहुत ही महान छुआछूत वो बहुत मेरी नज़र में बहुत ही महान थे जी। उनको उस हिसाब से सम्मान नहीं मिला, उनका जो सोच था वो उस समय लोग या तो समझ नहीं पाए। अभी भी उनको वो अभी हम लोग को देख रहे हैं कि हम जो हम लिख के गए उसको पढ़ो और समझो जी, मैंने क्या कहने की कोशिश की जी। और युवाओं को पढ़ना चाहिए तभी हमारा बिहार जो विकास करेगा। हाँ, बिहार को लोग सम्मान से देखें और बिहार में बालिका अधिकार और महिला अधिकार का संरक्षण भी होगा। हाँ, और युवाओं का भी विकास होगा, बिहार भी खुशहाल होगा। और मेरा ये फेवरेट टॉपिक भी है, मैंने सशक्त महिला पे भी बहुत सारी पेंटिंग बनाई है और कल भी मैंने मुख्यमंत्री को प्रेजेंट दिया था उसमें सशक्त महिला का ही पेंटिंग था, बेटी बचाओ मिथिला पेंटिंग था। हाँ, मिथिला पेंटिंग था बेटी बचाओ पे मैंने उसको बनाया था। उसमें मैंने चार फ्रेम दिखाया था, एक में धरारा में बेटी जन्म लेती है तो पेड़ लगाया जाता है तो वो पेड़ लगाने का कल्चर को भी मैंने दिखाया था, फिर बेटी को स्कूल जाते हुए दिखाया था और फिर पढ़ने लिखने के बाद बेटी ये डॉक्टर इंजीनियर बनती है उस फ्रेम को दिखाया था और बुढ़ापा में सहारा भी बनती है वो मैंने दिखाया था। कल मैंने वही पेंटिंग सीएम साहब को प्रेजेंट किया था, उनको भी बहुत पसंद आया था। उन्होंने क्या संदेश दिया दर्शकों को? कल सीएम साहब आए थे रात में उद्घाटन करने। हाँ, सीएम साहब मेरा काम देख के तो बहुत खुश थे और उनको सबसे अच्छा लगा कि भिखारी पे पहली बार किसी ने काम जी जी, इसलिए वो बहुत ये थे। और उन्होंने मुझको कल पेंटिंग देख के ये बोले कि आपने शैलियों को जो तीन तरह की शैली होती है मिथिला में कौन कौन मिलाने की कौन कौन शैली? ब्राह्मण शैली, कायस्थ शैली और शूद्र शैली। अच्छा, आपने तीनों को मिलाने की अच्छी कोशिश की है, ये आपका सराहनीय प्रयास। हाँ, सराहनीय प्रयास मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। चित्रा जी आपको बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद भी आपने समय दिया।